नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दाल पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे गेहूं के आटे और चना की दाल से बनाएंगे। वैसे पूरी चावल के आटे से भी बनाए जाते हैं और बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, जिनमें से आज मैं आपको बहुत आसानी तरीका बताऊंगी और उतनी ही टेस्टी लगती है ये पूरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। गेहूं का आटा मैंने लिए हैं 5 कप और 1 किलो है वेट में, और चना दाल 1 कप लिए हैं वेट में 200 ग्राम है। जिस कप से मैंने आटा लिए हैं उसी कप से दाल भी ले लिए हैं। पूरी तलने के लिए तेल, सनफ्लावर अथवा सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और 2 लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और नमक 1 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार लेंगे। तो अब सबसे पहले दाल को उबाल लेते हैं। तो 1 कुकर में 3 कप पानी डाल लेते हैं। अब इनमें दाल डाल लेते हैं और ढक्कन लगाकर कुकर में 1 सीटी आने देंगे गैस पर रखकर। तो रख लेते हैं गैस पर ये, तब तक 1 सीटी लग रहा है दाल में, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो इसमें पहले 1 कप पानी डाल लेते हैं आटा में, और आधा कप और डाल लेते हैं। अब इन्हें इस तरह से गूंथेंगे हम, और हमें आटा को बहुत लूज नहीं गूंथना है, हमें टाइट ही रखना है आटा को। तो इसी तरह से गूंथ लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आटा को मिला लेंगे और फिर 2 मिनट के लिए इसे मल लेंगे। तो अब सारे आटे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, अब इसे 2 मिनट के लिए मिला लेंगे। तो देखिए मैंने 2 मिनट के लिए मिला लिए ये आटे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टाइट नहीं है, देखिए इस तरह का आटा है। अब इन्हें ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। उधर गैस पर दाल में 1 सीटी लग चुकी है, तो गैस ऑफ कर दिए हैं और कुकर को उतार लिए हैं। देखिए ये गर्म है, इसका वाष्प निकल जाए तो हम खोलकर दाल निकाल लेंगे, पानी से छान लेंगे दाल को। तो कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इनमें जाली डालकर और ये दाल छान लेते हैं। दाल को हमें गलाना नहीं है, बिल्कुल गलाना नहीं है, देखिए इस तरह का दाल है। 1 सीटी लगने के बाद तुरंत गैस ऑफ कर दे, यदि 2 सीटी बाय द वे लग जाए तो कुकर का वाष्प तुरंत निकाल दीजिए और दाल को छान लीजिए। तो दाल को मैंने छान लिए हैं, देखिए अब इन्हें थोड़ा ठंडा करके और मिक्सी में पीसेंगे हम। तो दाल ठंडा हो चुकी है, अब इसे मिक्सी जार में डालकर और पीस लेते हैं। और अदरक को भी इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े में काट कर डाल लेते हैं, दाल के साथ पीस जाएगा ये अदरक। तो अब इसे पीस लेते हैं। लीजिए मैंने दाल को पीस लिए हैं, और दाल पीसते समय चम्मच से 1-2 बार नीचे ऊपर कर दे तो बराबर से पीस जाएगी दाल। देखिए इस तरह का दाल है, बिल्कुल खिलखिली है। दाल और आटा को हमें गीला नहीं करना है, नहीं तो हम पूरी परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, देखिए इस तरह का है। तो अब निकाल लेते हैं एक बॉल में दाल को। अब इधर आटा भी सेट हो चुका है, देखिए हम चाहे तो हाथों से एक बार मल ले फिर से आटा को। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर पैन रख लिए हैं, तो इसमें तेल डालते हैं, 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक लाल मिर्च को टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, लाल मिर्च डाल लिए हैं और जीरा डाल लेते हैं, और जीरा को इस तरह से चटकने देते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इनमें डालते हैं 1 पिंच हींग। हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो अवॉइड करें, लेकिन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। तो अब इसमें दाल मिला लेते हैं अच्छी तरह से, अब निकाल लेते हैं फिर से ही बॉल में। अब नमक इसमें डालेंगे जो नाप कर हम रखे हैं,
डालकर और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। हम चाहे तो हाथों से भी इस तरह से मिला सकते हैं। देखिए इस तरह से मल लेंगे तो अच्छी तरह से नमक मिल जाएंगे सारे दाल में। तो अब दाल तैयार हो चुकी है। सेम पैन गैस पर चढ़ा लिए हैं। अब इसमें तेल डालेंगे, जो तलने के लिए हम तेल रखे हैं। तो अब तेल डालकर और गर्म होने देंगे तेल को। गैस लो ही रखते हैं, तब तक हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। एक बार इस तरह से आटा को मसल लेंगे फिर से, जस्ट आधा एक मिनट। तो आटा अब तैयार हो चुका है पूरी पकाने के लिए। तो हम आटे से लोई काट लेते हैं। तो एक बड़े नींबू के आकार के लिए हम काट लेते हैं। आप चाहे तो इनसे बड़े भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि हम जितने बड़े लोई लेंगे उसमें फिर दाल भी भरनी पड़ेगी, तो उतने ही बड़े पूरी भी बनेंगे। तो इतने इतने बड़े हम काट लेते हैं लोई सारे। अब लोई को इस तरह से गोल करके और इस तरह से अपने थंब की सहायता से एक गड्ढे की तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह से कटोरी की तरह इसमें गड्ढे बनाएंगे। तो देखिए अब एक कटोरी की तरह बन गई है। अब इसमें हम ये दाल भर लेंगे चम्मच की सहायता से, साथ में अपने हाथों की सहायता से भी इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। अब इसे इस तरह से दबाते हुए इस तरह से थंब की सहायता से इस तरह से दबाएंगे इसमें हल्के हाथों से। अब इसके चारों तरफ के एजेज पकड़कर इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे करते हुए इसे बंद करेंगे ताकि दाल ऊपर ना आए। देखिए इस तरह पोटली की तरह करके और इसे इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से इसे हाथों से इस तरह हल्के हाथों से इस तरह से फैलाएंगे हम। इस तरह करने से दाल बैठ जाएंगे तो बेलने में हमें आसानी होगी। तो इसी तरह से करते हुए तीन चार पीस वाले बनाकर रख लेंगे। यदि घर में कोई है तो हम इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक और बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से करके और दाल इस तरह से भर लेंगे। दाल को इस तरह से अंगूठे से इस तरह हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से दाल बैठ जाए। और इस तरह से चारों तरफ के एजेस बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से तीन चार बना लेते हैं पहले। तो तीन चार बना लिए हैं। अब एक प्लेट में सूखा आटा थोड़ा सा रखकर अब इसे हल्के हाथों से डिप करेंगे इसमें। आप चाहे तो तेल लगाकर भी बेल सकते हैं। अब इन्हें एक चकले पर बेलेंगे। तो लोई उठाएंगे इस तरह से हल्के हाथों से एक बर्तन में डिप करेंगे और इन्हें हल्के हाथों से बेलेंगे। जोर से रोटी की तरह नहीं बेलेंगे, नहीं तो दाल बाहर निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से और एक ही तरफ नहीं बेलेंगे, अब उस तरफ भी पलटकर बेलेंगे हल्के हाथों से। और इस तरह इसीलिए बेल पा रहे हैं हम पूरी को कि हमारा आटा और दाल परफेक्ट बना हुआ था, न गीला था आटा और न गीली थी दाल, इसीलिए बेल पा रहे हैं, नहीं तो हम इस तरह से नहीं बेल पाते पूरी को। अब ये पूरी बेलकर तैयार हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बेलेंगे। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं इन्हें। इसी तरह से सारे पूरी बेलेंगे हम, जितने बनाएंगे उतने। तो एक और बनाकर मैं दिखाती हूँ। चलिए तो वापस इसी तरह से डिप करेंगे आटा में और इसे हल्के हाथों से इस तरह से बेलेंगे। अब पलटकर इसे भी उसी तरह बेल लेंगे। बहुत जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे दाल। तो लीजिए ये पूरी भी तैयार हो चुकी है बेलकर। अब हम तलेंगे। चलिए और एक ही बार में बहुत सारे पूरी नहीं बना कर रखेंगे। यदि घर में कोई है तो हेल्प लीजिए, नहीं तो दो चार बनाकर और फिर तलिए फिर बनाइए।
तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, अब हम तलते हैं इन्हें। चलिए तो तेल कितना गरम है ये चेक करने के लिए थोड़ा सा लोई को तोड़कर इस तरह से डालेंगे। बहुत गरम और बहुत ठंडा तेल हमें नहीं चाहिए, तो तेल परफेक्ट है गरम, बहुत गरम भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है। तो पूरी तलने के लिए तैयार है ये, इन्हें निकाल लेते हैं और पूरी डालते हैं इनमें। तो पूरी हम कढ़ाही में साइड से डालेंगे हल्के हाथों से, बहुत जोर से और बीच में नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल उफन कर हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। तो इस तरह से पूरी को थोड़ा चला देंगे हल्के हाथों से तो फूलने लगेगी ये पूरी। देखिए अब एक तरफ से फूलने लगी है, दूसरी तरफ तुरंत पलट लेते हैं, इसे हल्के हाथों से पलटेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह पलट देने से दोनों तरफ फूलकर गोल हो जाएगी ये पूरी। देखिए कितना फूल गई है। आप बड़े कढ़ाही ले रहे हैं तो दो तीन एक बार में सेक सकते हैं पूरी को, लेकिन ये मुंह थोड़ा छोटा है, देखिए फिर भी मैं एक डालकर देखती हूँ। ये कढ़ाही छोटी है तो पूरी एक आपस में पड़कर एक फोल्ड हो जाएगी, पलटने में भी हमें दिक्कत आएगी। देखिए दिक्कत आ रही है, तो एक 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 करेंगे, छोटे ले रहे हैं कढ़ाही तो, नहीं तो बड़े ले रहे हैं तो दो तीन आएगा एक बार में दे रखेंगे। देखिए फोल्ड हो गए हैं ना, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह के सेकेंगे हम पूरी। निकालने के लिए चाहे तो प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर निकाल लें इन्हें, अथवा ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ अभी। देखिए इसी तरह से सारी पूरियों को हम सेक कर तैयार करेंगे। पूरी को हम गरमा गरम इस तरह से सर्व करेंगे, अथवा आप तल कर रख रहे हैं तो तीन चार ठो पूरी एक प्लेट में रखें, फिर दूसरे में शिफ्ट कर लें, पूरी के ऊपर पूरी नहीं रखें, नहीं तो सगी हो जाते हैं। तो इस तरह से सारी पूरी हम तल लेते हैं पहले। तो लीजिए मैंने सारी पूरियों को तल लिए हैं और शिफ्ट भी कर लिए थे इसमें से, देखिए इस तरह से भी मैं इसमें डाल लिए हैं। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। लीजिए मैंने पूरियों को सर्व कर लिए हैं और बहुत ही फुली फुली पूरियाँ बनी हैं, और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही। तो आप इन पूरियों को आप ऐसे ही खा सकते हैं, अथवा कोई ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल की खीर बनाकर इनके साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है। तो आप चाहे तो जैसे भी सर्व करें, लेकिन बनाएं ज़रूर। और इन पूरियों को आप 3 से 4 दिन फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। तो आप ये पूरियाँ बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।